इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी कर दी गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पे पहली सूची में 13 महिला उम्मीदवार है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, कालिदास कोलंकर को वडाला फिर से मौका मिला है, वडाला सीट उनको दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट आज जारी कर दी गई है, जिसमें 99 कैंडिडेट्स को उतारा गया है। बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर, जहाँ पे देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी से उम्मीदवार बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी से उम्मीदवार बनाया गया है और देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से टिकट दिया गया है। वहीं जया चव्हाण को भोकर से टिकट मिला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं और पहली सूची में 13 महिला उम्मीदवार हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं और कालिदास कोलंकर को वडाला पे फिर से मौका दिया गया है, उनको वडाला सीट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 99 कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है, जिसमें पहली सूची में 99 उम्मीदवार हैं। देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम की सीट दी गई है, वहीं चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी से उम्मीदवार बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं मुंबई से। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से मंगला वागे स्टेट हेड जुड़ चुकी हैं। मंगला, बताइए क्या है पूरा विस्तार से? देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि बीजेपी की पहली लिस्ट आज जारी हुई है। मैं आपको बता दूं कि शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी में अभी भी सीट को लेकर चर्चा जारी है, बंटवारे पर अभी कोई फाइनल आउटपुट नहीं निकला है। लेकिन बीजेपी ने आज सबसे पहले अपनी 99 उम्मीदवार की लिस्ट जारी की है। जो सिटिंग एमएलए है उनको ही ज्यादातर उम्मीदवारी दी गई है, जैसे कि दक्षिण पश्चिम से उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनको उम्मीदवारी दी गई है, उनकी लिस्ट जारी हुई है। कामठी से बीजेपी के अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, उनको उम्मीदवारी दी गई है। मंत्री है जो वन मंत्री है सुधीर मंगल तिवार, जामनेर से गिरीश भाई को उम्मीदवारी दी गई है, मुरबाड़ से किशन कठोरे है, कांजोली पूर्व से अतुल भटकल खैर है, ऐसे जो सिटिंग एमएलए है उनको आज उम्मीदवारी डिक्लेयर की गई है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है। मैं आपको सबसे पहली बात ये बता दूं कि अभी तक शिवसेना, एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी में सीटों से लेकर चर्चा जारी है, अभी तक उनका कुछ फाइनल आउटपुट नहीं आया है। लेकिन जहां पर बीजेपी की दावेदारी है वहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं। और आपको ये दूसरी बात बता दूं कि दूसरी तरफ से महा विकास आघाड़ी है, उनमें अभी तक सीटों से लेकर चर्चा जारी है, उनका कोई अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। कुछ सीटों का लेकर उनकी खिंचातानी चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों से लेकर उनके ऊपर अभी तक बात जारी है। लेकिन बीजेपी ने आज रविवार के दिन अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है जी। और सीट बंटवारे को लेकर जो पेंच फंसा है, क्या लगता है वो कब तक सुलझ पाएगा? हाँ जी, देखिए बहुत सारे उम्मीदवार, अभी तक कोई नया चेहरा बीजेपी ने दिया नहीं है, लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार बहुत जगह से इच्छुक थे। अभी जो असंतोष बीजेपी में फैलेगा वो देखना पड़ेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो अपने असंतुष्ट लोगों को कैसे उनकी उनको मना लेते हैं, ये देखना हमें देखना होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंगला बागे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 99 उम्मीदवार के नाम है। इसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने इस बार प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को भी उम्मीदवार बनाया है।
उनको पार्टी ने कामेठी से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बावन कुले को टिकट नहीं दिया था, हालांकि पार्टी ने इस बार उन पर विश्वास जताया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण की बेटी जया चव्हाण को पार्टी ने भोकर से चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी की पहली सूची में 13 महिलाओं का को उम्मीदवार बनाया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी ने कालिदास कोलंकर को वडाला विधानसभा से एक बार फिर मौका दिया है और कोलंकर लगातार 9वीं बार चुनाव मैदान में है।